हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, SBI PO 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि आकाश यादव सर जो भी प्रिडिक्शन करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उनका जो भी प्रिडिक्शन होता है, चाहे वो वैकेंसी को लेकर हो, चाहे वो नोटिफिकेशन को लेकर हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 99% टाइम जो होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, और उन्होंने मतलब एक ऐसा अपडेट दिया है अपने रिलायबल सोर्सेज से पता करके, मतलब उन्हें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है। ठीक है, कि SBI PO 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को बहुत ही जल्द, मे बी इन 10 to 15 days आप लोगों के सामने मतलब वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसका अगर डेट का बात किया जाए ना, तो डेट के बारे में ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि आप लोगों का जो प्री है वो दिसंबर के थर्ड और मतलब सेकेंड और थर्ड वीक में, बोलने का मतलब मिड ऑफ दिसंबर में आप लोगों का प्री जो है वो कंडक्ट कराने का उम्मीद है, और आप लोगों का जो मेन्स होगा वो जनवरी के एंड में होगा, बोलने का मतलब मे बी फोर्थ और लास्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है, 2023। और आपका जो इंटरव्यू वगैरह का जो भी फाइनल प्रोसेस वगैरह होगा ना, जो प्रोसेस हो जाएगा इंटरव्यू वगैरह, मतलब जो आपका शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है, वो आप लोगों का मार्च में देखने को मिल सकता है। और तो इस तरीके से आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा, मतलब आप लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है, मौका है। अगर आप लोग पिछले किसी भी एग्जाम में, लाइक RRB क्लर्क अभी हुआ था, RRB का PO हुआ था, IPS क्लर्क भी, अगर आप लोगों का अच्छा नहीं गया, या आप लोगों का अगर कट ऑफ वगैरह क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगर आप लोगों का अटेम्प्ट वगैरह अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छा था, उसके बावजूद अगर आप लोग क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम, ठीक है, कट ऑफ अगर मान लीजिए किसी भी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपके सामने बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आप लोगों को क्या करना है, बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। वैसे भी आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जिनका टारगेट होगा अभी SBI क्लर्क और IPS PO, ठीक है, तो उसके साथ ही आप लोगों को बस इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है। सिलेबस वगैरह तो सब एग्जाम के लिए सेम रहता है, और मैंने इसके लिए ऑलरेडी SBI क्लर्क और IPS PO के लिए जो स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसका भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे देखें, और सब कुछ उसमें जो भी है ना वो सब सब देखें। होता क्या है ना कि जो भी सब्जेक्ट होता है या जो भी प्रैक्टिस सोर्स होता है, वो सारा का सारा जो फंडा होता है ना, हर एक एग्जाम के लिए सेम होता है। बट होता है क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग थोड़े से नादान होते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं, और थोड़े से एक्चुअली उन लोगों का एक्चुअली उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है कि सब कुछ सेम है। बस उन लोगों को थोड़ा सा होता है क्या है ना कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो उन्हें मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट जो है वो सही डायरेक्शन में ना होने की वजह से वो मतलब भटक जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो भी बताया है अपने वीडियोज के थ्रू, आप लोग मतलब उन सारे वीडियोज़ को देखें, और मैंने आप लोगों के लिए जितना भी स्ट्रैटेजी वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया, और वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। किसी भी एग्जाम को आप लोग उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, इंप्लीमेंट करके, उन सोर्सेज से प्रैक्टिस करके, उन सोर्सेज को फॉलो करके, कॉन्सेप्ट वगैरह कवर करके आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है ना, तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस देता हूँ। जितना भी आप लोगों को डाउट वगैरह होता है वो मैं आप लोगों का मतलब हैंड टू हैंड सॉल्व करने का पूरा अपना मतलब कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ मेंबर्स जो हैं वो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी शामिल हैं, उन लोगों का जो भी डाउट वगैरह है वो मैं देखता हूँ, और अभी तक बहुत सारे लोगों को इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है। आप भी अगर चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात और, मैंने है रीजनिंग का मेंस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस वगैरह आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग अगर उसे चाहते हैं तो देख सकते हैं। आप लोगों को एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, बोलने का मतलब एक स्टूडेंट की तरह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। बिकॉज होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि टीचर वगैरह को फॉलो करके भी होते होते क्या है ना कि थोड़े से सही तरीके से वो लोग समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो एक स्टूडेंट का क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग मैंने है ना कुछ सेशंस वगैरह लिया है रीजनिंग के लिए, चाहे वो मेंस का बात हो या प्री का भी। मैंने IPS क्लर्क प्री का जितना भी पजल आपके लास्ट 5 ईयर्स में आया था उसका मैंने एक सेशन करवा दिया था, 1 घंटे में मैंने 24 पजल्स वहाँ पर सॉल्व करके दिखाए हैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को पजल सॉल्व करना चाहिए। और मेंस का भी मैंने करवा दिया है, RRB क्लर्क मेंस 2021 का पेपर और 2022 का पेपर। ठीक है, और आगे आने वाले समय में भी मैं आप लोगों के लिए SBI PO के लिए, IPS PO के लिए और SBI क्लर्क के लिए जितना भी प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर रीजनिंग का हो गया उसका पजल्स वगैरह करवा दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस भी आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी डाउट होता है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।